मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं रेगुलर डायरेक्टर हूँ जन शिक्षण संस्थान मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का। एक प्रोजेक्ट नेशनल लेवल पे चल रहा है तो मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा का डायरेक्टर हूँ। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने यहाँ पे बुलाई है, इसका खास मकसद ये है कि उन सारी चीज़ों का खुलासा किया जाए कि जिन चीज़ों से और जिन हालात से ये स्कीम पिछले एक दहाई से गुजरी है। मैंने 2019 में एज ए रेगुलर डायरेक्टर ज्वाइन किया और एज पर द गाइडलाइन मेरी अपॉइंटमेंट हुई, लेकिन उसके बाद मुझे इस डिपार्टमेंट में एक एक्सटर्नल एजेंसी से बहुत कुछ सहने को पड़ा, जिसकी तफसीलात कुछ इस तरह से हैं। ये स्कीम जो है ये 308 डिस्ट्रिक्ट्स में अक्रॉस इंडिया चल रही है, JSS नामी स्कीम, जिसका मकसद ये है कि दूर अफ्तादा इलाके में जो बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं, जो एजुकेशन से ड्रॉप आउट है या रुडिमेंट्री लेवल या स्कूल ड्रॉप आउट्स या वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनके लिए हम वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, वोकेशनल एजुकेशन जो है उसके लिए ये सेंटर्स कायम किए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर यूटी में सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट में ये स्कीम जो है टिल डेट फंक्शनल है, एक जम्मू में है और दूसरा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में है। लेकिन जब ये स्कीम पूरे नेशन में लॉन्च की गई तो इस स्कीम को लॉन्च करते वक्त या तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सौंपी गई या किसी यूनिवर्सिटी को या किसी ट्रस्ट को। जम्मू कश्मीर में जो दो डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्कीम फंक्शनल है, एक जम्मू में और दूसरा कुपवारा में, कुपवारा में एक ट्रस्ट जो जिसका नाम अनहद है उसको ये 2008 में सौंपी गई है। लेकिन इस ट्रस्ट को एक मैंडेट दिया गया कि आपको इसमें बिल्कुल भी कोई अपॉइंटमेंट अपने ट्रस्ट की नहीं करनी है और ये जो पैसा है ये गरीब बच्चों तक और गरीब आवाम तक पहुंचना चाहिए। लेकिन स्टोरी कुछ डिफरेंट रही। 2008 में जब इन्होंने एफिडेविट मिनिस्ट्री ऑफ HRT को सबमिट किया कि हम अपने मैंडेट के अंडर और मिनिस्ट्री ने जो हमें गाइडलाइन दी है उसी के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट को चलाएंगे, लेकिन 2010 में इन्होंने एक ट्रस्ट के एक बंदे को एज ए चेयरमैन अपॉइंट किया जिसका नाम तनवीर हुसैन खान है, जो गोपालपोरा अनंतनाग का रहने वाला है, और दूसरे साल उसने खुद ही अपने आप को इंचार्ज डायरेक्टर घोषित किया। और इसके बाद उसने अपने घर के 8 रिलेटिव्स को जो गूस्ट एम्प्लाइज के तौर पे काम करते रहे पिछले एक दहाई से, वो सैलरियां ले रहे हैं और उन सैलरीज वो जो सैलरियां वो ले रहे हैं उन सैलरीज पे उसने अपना एक इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट किया, अपना एक इलेक्शन मैनिफेस्टो उस बुनियाद पे उसने स्टार्ट किया। वो AIP पार्टी का जनरल सेक्रेटरी रहा है, आप गूगल कर सकते हैं। 2014 में वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आ गया, लेकिन पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए उसने इस स्कीम का पैसा, सरकार ने जो पैसा गरीब बच्चों के लिए डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के लिए भेजा था, उसने वो पैसा इस्तेमाल करके उससे इलेक्शन कंटेस्ट किया और पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी शांगस अनंतनाग से कॉन्टेस्ट किया। आप ये चीजें गूगल पे देख सकते हैं कि जो भी चीजें मैं यहां पे बोल रहा हूं ये फैक्टफुल है, मैं विथ रिकॉर्ड आपके सामने आ जाया हूं। उनके घर के जो फैमिली मेंबर्स काम कर रहे हैं पिछले 10 सालों से, ये पैसा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के लिए आया था और लेकिन इन लोगों ने अपने घर के लोगों को इन किया और उनसे जो पैसा रिसीव किया इन द फॉर्म ऑफ सैलरी उससे उसने इलेक्शन कंटेस्ट किया। इन लोगों ने इस स्कीम को पिछले 12 सालों में दो कमरों में कैद करके रखा है। मैं आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरे नेशन को और स्पेशली जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कुपवारा को यह कहना चाहता हूं, क्या आप 2 साल से पहले इस स्कीम को जानते थे और इन्होंने इस स्कीम को कहां रखा था? 26 ऐसे लोग थे जो इस स्कीम में काम कर रहे थे लेकिन तनख्वाह सरकार का ले रहे, लेकिन इन्होंने 10 सालों में मिनिस्ट्री के साथ हाइड एंड सीक खेला। मिनिस्ट्री ने इन्होंने बार बार, मेरे पास वो लेटर्स सारी है और उनके रेस्पॉन्सेज भी है कि जिसमें उनको मिनिस्ट्री पूछ रही है कि आप रेगुलर डायरेक्टर के लिए अपॉइंटमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन दी गई थी, लेकिन इन्होंने यहां से लिखा है कि हालात फेवरेबल नहीं थे, कश्मीर में हालात फेवरेबल नहीं थे, बच्चे इन स्कीम्स में काम करना नहीं चाहते हैं, ये एक अलमिया है। और दूसरे एक लेटर में उन्होंने लिखा है कि हमने शॉर्टलिस्ट किए थे लेकिन बच्चे इंटरव्यू के लिए नहीं आए। तीसरी एक लेटर में लिखा है कि हमने इंटरव्यू पैनल बनाई लेकिन कोरम कंप्लीट नहीं हुई जिसकी वजह से इंटरव्यू नहीं हुआ। 2019 में ये स्कीम जो है ये ऑनलाइन हुई है। मैं आपको यहां पर यह भी बताता चलूं, 2008 से लेकर 2019 तक यह स्कीम ऑफलाइन थी। उन्होंने 10 साल तक जो APR मिनिस्ट्री को सबमिट किए वो फैक है। अपने घर के वो 26 एम्प्लाइज जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से हैं, बारामूला डिस्ट्रिक्ट से हैं, सोपोर से हैं और बांडीपोरा से हैं और बड़गाम से हैं,
उनके नाम उन एपीआरस में नहीं है। इवन दो जो अनहद ट्रस्ट के जो मेंबर्स जिन्होंने खुद को खुद ही अपने साइन से ही खुद को अपॉइंट एज ए चेयरमैन किया, खुद को एज ए डायरेक्टर अपॉइंट किया और सैलरी लेते रहे, उनका नाम भी उन एपीआरस में मौजूद नहीं है। मैं चाहता हूं कि 10 साल तक 12 साल तक जो पैसा सरकार ने इस दूर अफ्ताद इलाके के लिए भेजा, जो कैरन मसिल टंगार लोला क्लारूस इन एरियाज में जो बच्चे बच्चियां हैं उनके लिए जो पैसा भेजा है, इन्होंने अपने घर में वो इस्तेमाल किया है। मेरे पास एविडेंस है, मैं विदाउट एविडेंस आपको नहीं कह रहा हूं। स्टेट बैंक में हमारा डिपार्टमेंट का अकाउंट है, आप उसको चेक कर सकते हैं। मेरे स्टेटमेंट्स मेरे साथ हैं, आप स्टेटमेंट्स चेक कर सकते हैं कि इन्होंने अपने घर वालों की सैलरीज डाल दी है और इतना ही नहीं इन्होंने घर वालों के नाम पे लोन भी लिया है। मेरा कहना यह है कि जिन लोगों ने इस पैसे को गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया और उसके अलावा इन लोगों ने जब 2019 में मैं एज ए रेगुलर डायरेक्टर फर्स्ट रेगुलर डायरेक्टर अपॉइंट हुआ, उसके बाद मेरा पहला साल प्रोबेशन का था। प्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने इस पैरेंट बॉडी से पूछा, आप मुझे बताएं कि ये एम्प्लॉयज कौन है, ये कहाँ है, ये कहाँ रहते हैं, इनकी सैलरीज पिछले 12 सालों से चली गई, ये कौन है। तो उस पर उन्होंने कहा कि हम आपको तफसील देंगे, हम इनसे ये पैसा वापस लेंगे, लेकिन टिल डेट वो पैसा और वो लोन वापस नहीं आया। पहली बात। दूसरी बात, जब मैंने इनको डीडीओ पावर्स मांगे तो इन्होंने डीसी ऑफिस में वहां पे जाके कंप्लेंट की कि इसकी अपॉइंटमेंट चेक कीजिए। डीसी कुपवारा ने एक 3 रुकनी टीम बनाई, अपॉइंट जिन्होंने वहां पे रिपोर्ट दिया कि जो अपॉइंटमेंट है वो प्रॉपर हुई है। उसके बाद एलजी ग्रीवन सेल में उन्होंने कंप्लेंट की, उन्होंने भी टीम बनाई। उसके बाद हाईकोर्ट केस चला गया और हाईकोर्ट ने भी पहले स्टेट्स को, उसके बाद हाईकोर्ट ने एक जजमेंट मेरे हक में दिया। उसके बाद मिनिस्ट्री से टीम आ गई, जो 3 रुकनी टीम है जिसमें हमारे ऑनरेबल एडिशनल डायरेक्टर साहब भी थे और स्टेट एंगेजमेंट ऑफिसर एनएसडीसी और स्टेट एडिशनल डायरेक्टर एनएसटीआई भी थे। उन्होंने भी एक रिपोर्ट कंपाइल करके लिया जिसमें इनको मैंने तफसील से कहा है इन लोगों ने इन पैसों को किस एंगल से इस्तेमाल किया है। मेरा मुतालबा सिर्फ यह है पैसे का हिसाब दे दिया जाए। 10 सालों से 12 सालों से जो इस्तेसाल इस डिस्ट्रिक्ट के बच्चों और बच्चियों के साथ हुआ उसका जवाब दे दिया जाए। अगर आप जवाब देने से कासिर है तो आपको कोर्ट कचहरी में खड़ा होना पड़ेगा। मैं इत्मीनान के साथ आपको यह बात कह रहा हूं कि यह पैसा सरकार की तरफ से आया है और यह पैसा जो है यह उन गरीब बच्चों तक पहुंचना चाहिए। 308 डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट कुपवारा का जेएसएस जो है नंबर 1 है और इसकी एविडेंसेस आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों को यह बात हजम नहीं हुई और इन्होंने प्रोपेगेंडे शुरू किए हैं। और जो प्रोपेगेंडा हाल ही में इन्होंने शुरू किया है जिसमें मुझे इन्होंने अंडर कस्टडी भी रखा है, मैं जो प्रोसिक्यूशन टीम्स के साथ कॉपरेट फुली कर रहा हूं कि आप देखें अगर मेरे पास ये जो चीजें एलिगेशन जो इन्होंने लगाई है अगर ये सही है तो मैं सजा का हकदार हूं। लेकिन आप उन चीजों को और उन लोगों को शील्ड करने की कोशिश ना करें जो ऐसे प्रोपेगेंडे और ऐसे एजेंडे के साथ पिछले 10-12 सालों से वहां पे हैं, इनको शील्ड करने की कोशिश ना करें बल्कि इनको आप हाईलाइट करें ताकि आवाम का पैसा आवाम तक पहुंचने में आप हमें मदद करोगे। शुक्रिया।